नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक को पढ़ा जा रहा है। इसके चतुर्थ अंक के हम लगभग सभी श्लोक पढ़ चुके हैं। अंतिम चार श्लोक शेष हैं जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। ये पूरा चतुर्थ अंक, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्व साहित्य में अभिज्ञान शकुंतलम प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ चतुर्थ अंक के सभी श्लोक जो है, कहीं ना कहीं इनको कोट किया जाता है। ये चौथा अंक आपको पूरा ही याद कर लेना चाहिए। इन श्लोकों को शकुंतला की विदाई का वर्णन है। अभी तक महर्षि कण्व जो है पूरी तरह से शकुंतला को अनुशासित कर चुके हैं। उनको पूरी तरह से, हम कहेंगे कि विदाई के समय जो पिता अपने पुत्री को जो भी आशीर्वचन के साथ साथ जो भी सीख देता है, वो सारी सीख जो है वनवासी होते हुए भी महर्षि कण्व ने बहुत अच्छे से अपनी बेटी शकुंतला को दी है। अपनी सीख देने के बाद, उपदेश कहेंगे देने के बाद, गौतमी से पूछते हैं कण्व ऋषि, कथम वा गौतमी मन्यते, वा अथवा कथम गौतमी मन्यते, गौतमी कैसा मानती है, गौतमी इस विषय में क्या कहती हैं। गौतमी कहती है, एतावान वधुजनस्य उपदेशः, वधुजनों के लिए, वधुजन की तरफ से, बेटी वालों की तरफ से, या कहेंगे कि वधु पक्ष के लिए ही इतना ही उपदेश काफ़ी है। जाते पुत्री एवं खलु सर्वम अवधार्य, एतत् खलु, ये सारा कुछ आप अवधार्य, ध्यान रखना, याद रखना। काश्यप कहते हैं, वस्से पुत्री परिष्वज माम सखी जन्म छ, मेरे और सखियों के गले लगो। शकुंतला तात इतेव किम प्रियंवदा अनसुये सखियो निवृत्तिष्यते, क्या यहीं से ही प्रियंवदा और अनसुया सखियां जो है चली जाएंगी, लौट जाएंगी। पिता कण्व कहते हैं आगे, वत्से इमे अपि प्रदेय, इमे अपि, इन दोनों को भी प्रदेय देना है। न युक्तम अन्यो तत्र गन्तुम, अन्यो इन दोनों का वहां जाना ठीक नहीं है। तव्यस्य गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। शकुंतला पितरम आश्लिष्य, अपने पिता का आलिंगन करके, कथम इदानीम तात अंकात परिभ्रष्टा मल्ल तट उन्मिलता चंद्रलता विदेशांतरे जीवितम धारिषामि, कि कथम कैसे इदानीम इस वक्त तात, तातस्व अंकात संधि हो जाएगी यहाँ पर, पिताजी की गोद से गिरी हुई, ठीक है, पिताजी की गोद से अंकात परिभ्रष्टा वैसे तो होता है गिरी हुई, यहाँ पर अर्थ होगा पिता की गोद से दूर हुई। मल्य तट उन्मिलता, मल्य तट से उखाड़ी गई, यानी मल्य पर्वत के किनारे से उखाड़ी गई चंदन लता के समान, देशांतर दूसरे देश में जीवन धारण करूंगी। कैसे, मैं जैसे चंदन लता जो है कुमला जाती है अपने मल्य तट से उखाड़ने के बाद, मल्याचल पर्वत से उखाड़ने के बाद, उसी प्रकार से मैं भी आपकी गोद से दूर जा रही हूँ, तो दूसरी जगह पर मैं अपना जीवन धारण कैसे करूंगी। काश्यप कहते हैं, वस्से किम एवं कातरासी, तुम इस तरह से पीड़ित क्यों हो रही हो। फिर वो एक श्लोक में कहते हैं, अभिजन वतो भर्तु श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृते तस्य प्रतिक्षणम आकुला तन्यम अचिरात प्राची वारकम प्रसूय च पावनम मम विरहजाम न तुम वस्से शुचम गणयिष्यसि। अभिजनो वते भर्तो, कुलीन स्वामी के, अभिजन वतो कुलीन स्वामी, उच्च कुल में उत्पन्न हुए अपने पति के श्लाघ्य प्रशंसनीय गृहिणी पदे स्थिता, गृहिणी पद पर स्थित होकर, गृहिणी पद पर, पटरानी पद पर स्थित होकर, विभव गुरु भी कृत्य, विभव वैभव के कारण गुरु भी बड़े बड़े कृत्य कार्यों से, तस्य उसके, अपने तस्य किसके लिए है, पति के लिए, दुष्यंत के लिए, तस्य विभव गुरु भी, उसके वैभवशाली होने के कारण गुरु भी कृत्य बड़े बड़े कार्यों
के कारण प्रतिक्षणम आकुला, प्रतिक्षण व्यस्त रहकर उसके बड़े बड़े कार्यों में सहयोग दोगी, सहयोग देने से प्रतिक्षण जो है व्यस्त रहोगी। तो ऐसा रह करके तन्यम पुत्र को अचिराज शीघ्र ही प्राची वर्कम, प्राची यानी पूर्व दिशा में अर्कम इव सूर्य के समान, पर सूर्य उत्पन्न करके च पावनम और पावन, तो जिस प्रकार से प्राची पूर्व दिशा पावनम अर्कम प्रसूय पवित्र सूर्य को उदित करती है, उसी प्रकार से अचिरात शीघ्र ही पावनम तन्यम प्रसूय पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मम विरहजाम, मेरे विरह से उत्पन्न हुए, मेरे वियोग से उत्पन्न हुए शुचम दुख को न गनीयसी, नहीं गिनोगी। तुम वत्स्य पुत्री, तो हम वत्स्य और त्वम को सबसे पहले ले जाएंगे। वत्स्य यहाँ संबोधन है, हे वत्स्य, हे पुत्री, त्वम तुम अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्य गृहिणी पदे स्थिता, अपने उच्च कुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थित होकर, महारानी पद पर स्थित होकर, तस्य विभव गुरु भी कृत्य, उसके वैभवशाली होने के कारण बड़े बड़े कार्यों से प्रतिक्षण माकुला, प्रतिक्षण व्यस्त रहकर, और फिर पूर्व दिशा में उदित होने वाले सूर्य के समान अचिरात शीघ्र ही पावनम तन्यम प्रसूय पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मम विरहजाम शुचम न गणिशसी, मेरे विरह से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को, दुख को नहीं गिनोगी, अर्थात तुम्हें इतना समय ही नहीं मिलेगा कि तुम मुझे इतना मतलब याद कर पाओ, इस तरह से पीड़ित हो, क्योंकि तुम प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर। इस तरह से उनको पिता कर्ण एक तरह से ये कहेंगे कि आशीर्वचन के साथ साथ यह भी, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, ठीक है, उनको तीनों कालों की बातें ज्ञात थी, उनको मालूम था कि उसके भविष्य जो है कैसा है, तो इस तरह से वो उसको उसके भविष्य की बातें भी बता रहे हैं। एक तरह से कश्यप ऋषि आगे कहते हैं, इतना कहकर के शकुंतला पितुपाद्योपत्ति शकुंतला पिता के पैरों में गिरती है, चरणों में गिरती है। कश्यप कहते हैं, यद इच्छामि ते तदस्तु, मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ वह पूरा हो। शकुंतला सख्य उपेत्य सखी के, दोनों सखियों के पास जाकर हला द्वे अपि माम सममेव परिश्रज्य थाम, तुम दोनों ही मुझको इकट्ठा ही जो है आलिंगन करो गले। शकुंतला कहती है, सख्य उपेत्य सखियों के पास पास में जाकर हला सखियो द्वे अपि माम सममेव परिश्रज्य थाम, तुम दोनों इकट्ठे ही मेरा आलिंगन करो। सखियो दोनों सखियां तथा कृत्वा वैसा करके, सखी यदि नाम से राजा प्रत्यभिज्ञान मंत्रो भवेत, यदि वह राजा पहचानने में मंथर हो, यानी शीतलता जो है दिखाई दे उसमें कि कहीं वो जो है पहचानने में थोड़ा समय ले रहा है, तथा तस्य इदम आत्मनामधेय अंकितम अंगुलिकम दर्शय, तो फिर उसको यह आत्मनामध्येयम उस उन्हीं के नाम से अंकित अंगूठी दिखा देना, जिस पर दुष्यंत नाम लिखा हुआ है वो वाली अंगूठी दिखा देना। शकुंतला कहती है, अनेन संदेहन वामा कंपितास्मि, वामा आप लोगों के अनेन संदेहन इस संदेह से मैं कांप गई हूँ, मैं डर गई हूँ। दोनों सखियां कहती हैं, माँ भैषी अति स्नेह पाप शंकी, डरो नहीं, अत्यधिक स्नेह पाप की शंका करवाता है, जिससे हम अधिक स्नेह करते हैं तो हम उसके अनिष्ट के बारे में भी हमें शंका होती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कुछ गलत हो जाए। शारंगदेव कहता है, युगांतरम आरूढ़ है सविता, सूर्य जो है एक प्रहर ऊपर चढ़ गया है, आरूढ़ हो गया है, चढ़ गया है, यानी और ज़्यादा दोपहर हो गई है, त्वरताम अत्र भवति, आप शीघ्रता कीजिए, आप शीघ्रता कीजिए। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा आश्रम की ओर देख करके, तात पिताजी कदा नु भूय तपोवनम प्रेक्षिष्य, मैं फिर से कब तपोवन को देखूंगी, कब आऊंगी यहाँ।
तो कश्यप ऋषि कहते हैं, श्रुतम सुनिए, कण्व ऋषि बोलते हैं, भूतवाचिराय चतुरंत महिष पत्नी दोष्यंतिम अप्रतिरथम तन्यम निवेश भर्तरा तदर्पित कुटुंब हरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। भूतवा होकर चिराय लंबे समय तक चतुरंत महिष पत्नी, चतुरंत चारों समुद्रों पर्यंत मही पृथ्वी, चारों ही समुद्र जिसकी सीमा है, ऐसी पृथ्वी की स्पत्नी भूतवा स्पत्नी बनकर सोत बनकर, चारों समुद्र यानी राजा दुष्यंत की जो पृथ्वी थी, राजा दुष्यंत की जो राज्य था वो चारों समुद्र के कोनों तक पूरी पृथ्वी का वो मालिक था। तो चतुरंत मही चारों ही समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की स्पत्नी भूतवा स्पत्नी सोत रहकर कब तक, चिराए लंबे समय तक, पहले तुम सुख भोगोगी, राज्य सुख भोगोगी, उसके बाद फिर दोष्यंतिम अप्रतिरथम, अप्रतिरथ अद्वितीय योद्धा, जिसके समान कोई योद्धा नहीं, ऐसे दुष्यंत के तन्यम पुत्र को निवेश्य राजगद्दी पर बिठाकर, भर्तरा और इसी लाइन में आया है सार्धम पति के साथ, कैसे पति के साथ, तद अर्पित कुटुंब भरेन, तद उस पर अर्पित करने वाले कुटुंब का भार, तद किसके लिए आए, बेटे के लिए, पुत्र के लिए आया, तो अपने पुत्र पर कुटुंब के भार को सौंप देने वाले भर्तरा सार्धम पति के साथ, शांते करिष्यसि पदम पुनः, पुनः फिर से आश्रमे अस्मिन्, इस आश्रम में, कैसा आश्रम है ये, शांते, देखिए सारे तीनों सप्तमी विभक्ति एक वचन में, शांते आश्रमे अस्मिन्, अस्मिन् शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः फिर से पदम करिष्यसि, कदम रखोगी, पदम स्थान, करिष्यसि करोगी, स्थान करोगी, स्थान बनाओगी, यानी कि कदम रखोगी। तो दोबारा से देखेंगे इसको, चतुरंत महिष पत्नी भूतवा, चिराए पहले ले लेंगे, चिराए लंबे समय तक, चतुरंत महिष पत्नी भूतवा, चारों समुद्र पर्यंत फैली पृथ्वी की सोत बन करके, अप्रतिरथम दोष्यंतिम तन्यम निवेश अद्वितीय योद्धा, दुष्यंत के पुत्र को निवेश बिठाकर, राज सिंहासन पर बिठाकर, भर्तरा तदर्पित कुटुंब भरेन सार्धम, तदर्पित कुटुंब भरेन भर्तरा सार्धम, उस पर बेटे पर कुटुंब का भार सौंप देने वाले पति के साथ पुनः फिर से अस्मिन् शांति आश्रमे, इस शांत आश्रम में पदम करिष्यसि, स्थान बनाओगी, फिर से कदम रखोगी, इस शांत आश्रम में पुनः आओगी और फिर अपना यहाँ निवास थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए अपना निवास बनाओगी। तो इस तरह से आगे कहते हैं, गौतमी कहती है, जाते पुत्री पर ही ते गमन वेला, गमन वेला जाने का समय निकला जा रहा है, जो विदाई का समय है, गमन वेला जो एक निश्चित समय है कि इस समय विदाई हो जानी चाहिए, वो निकल रहा है, निवर्त्य पितरम पिता को लौटा दो, अथवा चिरेन अपि पुनः पुनः एवं मंत्रिष्य से मंत्रिष्यते, अथवा चिरेन अपि लंबे समय तक बार बार पुनः पुनः बार बार, ऐशा एवं मंत्रिष्यते, ऐशा यह इसी प्रकार से कहती रहेगी, निवर्तताम भगवान आप ही लौट जाएं। पिता कण्व को वो कहती हैं कि ये तो लंबे समय तक बार बार ऐसा ही करती रहेगी, आप लौट जाएं। काश्यप कहते हैं, वत्से पुत्री उपरुद्धते तपोनुष्ठानम, तपस्या का अनुष्ठान, तपस्या का कार्य रुक रहा है, शकुंतला भूय पितरम आश्लिष्य, फिर से पिता का आलिंगन करके गले लगकर, तपश्चन पीड़ितम ता शरीरम, ये तात आपका शरीर तपस्या के कारण बहुत कमजोर है, तत् ना मा अति मात्रम मम कृत उत्कंठस्व, इसलिए अति मात्रम बहुत अधिक मम मेरे लिए उत्कंठस्व, मा
उत्कंठित मत होना, मेरे लिए बहुत अधिक पीड़ित मत होना। कश्यप ऋषि निश्वासम लंबी श्वास लेकर के कहते हैं, क्षमा मेष्यति मम शोक कथम नुवत्स्यतव्य रचित पूर्व मुठस द्वार विरूढ़ निवार बलिम विलोक्यतः। क्षमा मेष्यति मम शोक कथम नु, मेरा शोक कैसे क्षमा मेष्यति शांत होगा वत्स्य पुत्री। तव्य रचित पूर्वम तुम्हारे द्वारा पहले डाले गए उठस द्वार विरूढ़ कुटिया के दरवाजे पर उगे हुए निवार वलिम बलिम निवार जंगली धान्य के बलि भेंट को विलोक्यतः देखते हुए। क्या मतलब? शकुंतला जो है जंगली धान्य जो होता है उसकी भेंट जो है वो अपने दरवाजे पर दरवाजे के बाहर पक्षियों के लिए डाला करती थी और वो दाने जो हैं धान्य जो हैं अब उग गए हैं तो क्या बार बार मैं उनको जब देखूंगा तो तुम्हारी याद आएगी तो मेरा शोक जो है मेरा पीड़ा जो है वो कैसे शांत होगी। तो यहाँ पर हम वत्स्य निकालेंगे। वत्स्य संबोधन है, हे वत्स्य हे पुत्री, तव्या तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम पहले डाले गए उटस द्वार विरूढ़म और अब कुटिया के दरवाजे पर उगे हुए निवार बलिम विलोक्यत है, जंगली धान्य की बलि यानी भेंट को देखते हुए। मम शोक कथम नु शमेष्यति, मेरा शोक कैसे शांत होगा, मेरे को कैसे शांति मिलेगी, मुझे पुनः पुनः तुम्हारी याद आएगी। तो इस तरह से कण्व ऋषि जो है बोलते हैं, कहते हैं गच्छ जाओ शिवास्ते पंथा न संतु, तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो। देखिए यहाँ शिवास्ते पंथान है शब्द है, पंथान है बहुवचन, कि तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हो मंगलकारी हो, यानी आज के बाद जो तुम पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जा रही हो वहाँ जाकर यानी कि यहीं से शुरू होता है जो तुम्हारा रास्ता, और फिर वहाँ पहुँचकर जितने भी तुम्हारे रास्ते आगे निकलेंगे जो भी तुम्हारे कार्य होंगे, पंथाने से मतलब हर तरह का आशीर्वाद है कि जितना भी जीवन में जो भी तुम्हारा रास्ता होगा वो सारे रास्ते मार्ग सारे कल्याणकारी होंगे। निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनी, शकुंतला अपने सहयोगियों के साथ निकल जाती हैं। इसके बाद दोनों सखियां शकुंतला विलोक्य शकुंतला को देखती रहती हैं, दूर से देख के कहती हैं हा धिक्कार है। अंतरिता शकुंतला वन राज्य, शकुंतला वन पंक्ति में वन राज्य पंक्ति, अंतरिता अंतरहित हो गई है यानी कि गायब सी हो गई है, ओझल सी हो गई, अब दिखाई नहीं दे रही है। सघन वन थे उस वक्त, तपोवन के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, तो शकुंतला जाते दूर तक सखियां उसकी देखती रही और फिर जो है वृक्षों की ओट में वो छिप गई एक तरह से। तो इसी चीज़ का वो कह रही है कि बड़े कष्ट की बात है कि अब शकुंतला दिखाई नहीं दे रही है। कश्यप ऋषि सनिश्वासम दुख भरी श्वास लेकर अनसुया गतवती वाम सहचारिणी, आप लोगों के साथ रहने वाली चली गई है, निगृह्य शोकम, अब अपने शोक को निगृह्य रोक कर दबा कर अनुगच्छतम माम प्रस्थितम माम प्रस्थान करते हुए मेरे अनुगच्छतम पीछे पीछे आओ। दोनों कहती हैं तात पिताजी, शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशति, शकुंतला से रहित शून्य से तपोवन में कथम प्रविशति, कैसे प्रवेश करें। कश्यप ऋषि कहते हैं स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, स्नेह की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, प्रेम धारा ऐसी ही होती है सविमर्श परिक्रम में सोच विचार के साथ घूम कर। कहते हैं हंत भोष कुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम। कहते हंत कहते बहुत ही मतलब इसमें सुख भी और दुख भी मिश्रित है हंत शब्द में, यानी इस वक्त उन्हें खुशी और गम दोनों ही हो रहे हैं कि पुत्री को भेज दिया पति के घर तो वो एक तरह से निश्चिंत हो गए हैं और दुख विदाई का है ही अभी। तो हंत कहते भो शकुंतलाम पति कुलम विसृज्य, शकुंतला को पति के कुल में भेजकर
इदानीम इस समय स्वास्थ्यम लब्धम, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। कुतः? क्योंकि क्योंकि अर्थो ही कन्या प्रकीय तामध्य संप्रेष्य परिगृहतो जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासी अंतरात्मा। बहुत सुंदर श्लोक है कि ही वास्तव में कन्या परकीय एव अर्थो प्रायः ही धन होता है। अर्थो धन ही वास्तव में कन्या परकीय एव प्रायः ही धन होता है। ताम उसको अद्य आज संप्रेष्य भेजकर परिगृहतु पति के घर, उसको आज पति के घर भेजकर जातो मम अयम विशदः प्रकामम। मम अयम मेरा यह क्या अंत में आया है अंतरात्मा, मेरा यह अंतरात्मा विशदः प्रकामम जातो, प्रकामम बहुत ज्यादा विशदः प्रसन्न निर्मल निश्चिंत जातो हो गया है प्रत्यर्पित न्यास इव, न्यास को लौटाने के समान। न्यास का मतलब धरोहर, प्रत्यर्पित अर्पित होता है देना और प्रत्यर्पित वापिस देना, जैसे किसी की धरोहर मेरे पास हो और मैंने उसको लौटा दिया हो, तो धरोहर दे करके जैसे मन अपना निर्मल और शांत और एक तरह से निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार से मम अयम अंतरात्मा मेरी यह अंतरात्मा भी प्रकाम विशदः जातो बहुत अधिक संतुष्ट हो गई है, निश्चिंत हो गई है, मेरा अंतःकरण अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। दोबारा सुन लीजिए श्लोक को। ही वास्तव में कन्या प्रकीय वर्थो प्रायः ही धन होता है, ताम उसे अद्य आज परिग ऋतु संप्रेष्य पिता के घर पति के घर भेजकर मेरी अंतरात्मा मम अयम अंतरात्मा मेरी यह अंतरात्मा प्रकामम विशदः जातो उसी प्रकार से बहुत अधिक निश्चिंत हो गई है, संतुष्ट हो गई है, जैसे कि किसी प्रत्यर्पित न्यासी, जैसे कि किसी की धरोहर को उसको लौटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से चतुर्थ अंक के अंत में बहुत ही दुख मिश्रित सुख का अनुभव करते हुए कण्व ऋषि अपनी बात को पूरा करते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंक है। कल से हम पंचम अंक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।